ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। ठीक है, आई होप मेरी आवाज़ तमाम स्टूडेंट्स को आ रही होगी। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो डेटा एनालिटिक्स किस तरह से परफॉर्म किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो हम सीखेंगे। सो अगेन, दिस इज़ द सेकेंड वेबिनार फॉर द स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स हु आर बीइंग एसोसिएटेड विद ताहा पोपाटिया सर। तो ताहा सर की रिक्वेस्ट पे मैंने आज का एक और सेकंड वेबिनार अरेंज किया है जो डेटा एनालिटिक्स पे। इससे पहले मैंने इसी मंथ पावर बीआई का एक सेशन करवाया था, ठीक है, वो भी यूट्यूब चैनल पे उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। तो आज के सेशन में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ डिफरेंट फॉर्मूलाज, फीचर्स और फंक्शंस को स्टडी करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि कैसे डेटा एनालिटिक्स यूजफुल हो सकती है एज अ अकाउंटेंट या फाइनेंस प्रोफेशनल्स के लिए। सो बिफोर वी गो इन टू दी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मैं यहाँ पर जो लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है बट वो लाइव प्रोग्राम नहीं देख पा रहे, माइट बी आई होप कि लार्जर ऑडियंस जो है वो रिकॉर्डिंग को रेफर करेगी, तो उनके लिए और जो लोग प्रेजेंट हैं इस वक्त लाइव सेशन के लिए, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करता चलूँ। सो अगर आप फॉर्मल तरीके से एक स्टैंडर्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को एक्वायर करना चाहते हैं तो आप यूडेमी वेबसाइट पर मेरा इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ फीचर्स पहले बता दूं। जो टॉपिक है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर डेटा एंड बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है। इसकी रेगुलर प्राइस है $70, बट इस वक्त इसके ऊपर डिस्काउंट अप्लाइड है और ये बहुत ही मिनिमम प्राइस के ऊपर आपको मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर यूजिंग योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड तो आप इस ऑफर को विद इन नेक्स्ट 9 आवर्स तक, यानी आज की डेट 26th of July, अवेल कर सकते हैं, विच इज़ 83% ऑफ डिस्काउंट, ठीक है। ये कंप्लीट कोर्स 26 आवर्स का कोर्स है जिसमें 112 डाउनलोडेबल रिसोर्सेज हैं। इसका एक्सेस आपके पास लाइफ टाइम रहेगा और तमाम टॉपिक्स को कंप्लीट करने के बाद आपको सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन भी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। इस कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स को बनाने का मकसद ये है कि ना सिर्फ फाइनेंस या अकाउंटेंट्स बल्कि किसी भी फील्ड के प्रोफेशनल्स जो आइदर जॉब कर रहे हैं या अपनी स्टडीज़ के फाइनल ईयर्स के अंदर मौजूद हैं, उनको ये बात ज़रूर मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर एक्सेल एक ऐसा टूल है जो बहुत कॉमनली हर ऑफिस में या हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस कोर्स में आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मॉड्यूल्स मैंने ऐड किए हुए और इन तमाम मॉड्यूल्स के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस विथ एक्सरसाइज फाइल्स और हैंडआउट्स मौजूद है। सो ये एक बहुत अच्छी ऑफर है इफ़ यू वांट टू अवेल दिस। दिस इज़ आई मीन कि बहुत लोवेस्ट प्राइस के ऊपर आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हैं, ठीक है। यूडेमी पर इस वक्त मेरे पास जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो 78,000 है। तो 78,000 स्टूडेंट्स डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुझसे एक्सेल या पावर बीआई पढ़ रहे हैं इस वक्त, और आप देख सकते हैं 4,500 से ज़्यादा रिव्यूज़ भी मौजूद हैं। सो आप देख सकते हैं अगर आपको पावर बीआई सीखना है विच इज़ डैशबोर्ड रिपोर्टिंग टूल, वो उसके ऊपर भी इस वक्त ऑफर मौजूद है $11.99, रेगुलर प्राइस $54 है। सो इट्स अ वेरी ह्यूज डिस्काउंट जो आप नेक्स्ट 9 आवर्स के अंदर अवेल कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू सी सम फ्री कोर्सेज तो वो भी अवेलेबल हैं इसी लिंक के ऊपर, तो आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हैं और सीख सकते हैं उससे भी, ठीक है। मैं आपको पावर बीआई का कोर्स भी दिखा देता हूँ, विच इज़ पावर बीआई डेस्कटॉप एंड सर्विस PL 300। सो इस पे 78% डिस्काउंट इस वक्त मौजूद है। अगेन, इसमें भी आपको 71 डाउनलोडेबल रिसोर्सेस मिल जाएंगी, 12 आवर्स का कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस है, सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लीशन है और हर मॉड्यूल को सिंक्रोनाइज करके हमने डिज़ाइन किया है ताकि स्टूडेंट हो या प्रोफेशनल हो वो आसानी से समझ सकता है। प्लस हमने इसमें टेम्पलेट्स भी रखे हुए हैं रिलेटेड टू HR, फाइनेंस, सप्लाई चेन, सेल्स, ठीक है। सो इट्स अ वेरी लो कॉस्ट कोर्स। आई होप कि मैक्सिमम लोग इस कोर्स को अवेल ज़रूर करेंगे, ठीक है, एंड दैट विल एंड इन नेक्स्ट 9 आवर्स। ऑल राइट, आप में से वो लोग जो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मौजूद हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं लिंक्स रेगुलरली शेयर करता रहता हूँ, आप प्लीज़ उसको फॉलो करें और इस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है।
और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का जो वर्जन इस वक्त मेरे पास मौजूद है या इंस्टॉल्ड है, दैट इज़ द पेड एंड लाइसेंस वर्जन डायरेक्टली फ्रॉम द माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और इस वर्जन है Excel 365, ठीक है। प्रोबेबली हो सकता है आप में से वो पार्टिसिपेंट्स उनके पास ओल्डर वर्जन ऑफ एक्सेल हो सकता है, तो याद रखिएगा आपका जो वर्जन जितना लेटेस्ट होगा उतने मजीद आपको फॉर्मूलाज या फीचर्स नजर आएंगे एक्सेल के अंदर, ठीक है। अब मैं एक फाइल आपके सामने ओपन करूंगा विच कंसिस्ट ऑफ सम डेटा, ठीक है। पहले हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे और हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सिस्टम हमें ऑटोमेटिकली एनालिसिस करके कितना क्विकली दे सकता है, ठीक है। और फिर उसकी लिमिटेशंस क्या है या उसके अंदर हम कौन से फीचर्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। तो लेट मी ओपन द फाइल, जस्ट गिव मी अ मिनट। ऑल राइट, तो अब आपको स्क्रीन पर यहाँ पर, हाँ जी, तो डेटा नज़र आ रहा होगा, राइट, ठीक है। अब इस डेटा को समझते हैं। ये एक स्ट्रक्चर डेटा है। देखें, डेटा के डिफरेंट फॉर्मेट्स भी होते हैं। आप में से वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, डे इन डे आउट आपके पास बहुत सारी एक्सेल की फाइल्स होती हैं हार्ड ड्राइव पे, और अगर आप कोई फाइनेंशियल मॉडल बना रहे हैं या आप कोई MIS रिपोर्ट बना रहे हैं इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, तो लिंकिंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है। तो याद रखिए एक्सेल के बहुत सारे फीचर्स स्ट्रक्चर डेटा पर काम करते हैं, नॉट ऑन अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। प्लस हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो हम डेटा क्लीनिंग प्रोसीजर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं या उनको ऑटोमेट करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से एक टूल पावर क्यूरी का है। तो अगर आप देखें डेटा के टैब में हमारे पास एक ग्रुप होता है लेफ्ट साइड पे, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा, दिस इज़ द पावर क्यूरी। जितना भी डेटा ट्रांसफॉर्मेशन वाला काम होता है डे इन डे आउट, चाहे वो अकाउंटेंट्स कर रहे हो, ऑडिटर्स कर रहे हो, या किसी भी फंक्शन से रिलेटेड कोई शख्स के पास डेटा हो, उसको ये सारे फीचर्स सीखने होते हैं ताकि वो अपने काम को आसान कर सके, रादर देन के वो कॉम्प्लेक्स या सिंपल बहुत सारे मल्टीपल स्टेप्स के थ्रू करें। अब आपके पास यहाँ पर एक डेटा है जिसमें डिफरेंट कॉलम्स हैं और ये एक सेल्स से रिलेटेड डेटा है। तो हम सबसे पहले एक स्टेप ये देखेंगे कि विदाउट ह्यूमन इंट्रैक्शन हम कैसे लेटेस्ट फीचर्स के थ्रू सिस्टम से ऑटोमेटिकली कुछ एनालिटिक्स को ड्राइव करवा सकें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास Excel 365 के अंदर जो है वो वर्जन मौजूद है, ठीक है। जुनेद मज़र का एक सवाल है, मैं पढ़ देता हूँ। सर, हाउ आई कैन गेट द रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ टुडेज लेक्चर? जुनेद, इस चीज़ को मैंने क्लियर किया था, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मौजूद हैं तो वहाँ पर मैंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर किया है। तो जैसे ही ये सेशन एंड होगा उसकी रिकॉर्डिंग मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएगी, ठीक है। एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन मल्टीपल टाइम्स ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, सही है। सो इफ़ यू आर इन द ग्रुप प्लीज़ बी एक्टिव देयर टू कैच दी अनाउंसमेंट्स, ठीक है। अच्छा जी, सो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इज कि सर मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, और इस डेटा को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद सर मेरे पास होम टैब के अंदर, ठीक है, आप देखें बिल्कुल राइट साइड पर एनालाइज का एक फीचर मौजूद है। तो जैसे मैं एनालाइज पे क्लिक करूँगा सिस्टम ऑटोमेटिकली मेरे डेटा को रीड करेगा और मुझे कुछ एनालिटिक्स यानी इनसाइट्स मुझे निकाल कर देगा। सो आप देख सकते हैं कि कितना क्विकली सिस्टम ने मुझे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के थ्रू इनसाइट्स निकाल कर दे दिए, ठीक है। और यही काम अगर मैं खुद मैन्युअली करता तो मुझे डेफिनेटली आधा घंटा या एक घंटा कंज्यूम कर जाता मैं, सही है। वही काम सिस्टम ने मुझे करके दे दिया। अब जो भी इनसाइट मुझे मेरी इस शीट पे मुझे चाहिए होगा, मैं सिंपली इंसर्ट पिवट चार्ट पे क्लिक करूंगा और वो इनसाइट मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। प्लस इस फीचर का बेनिफिट क्या है कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपको किसी कॉलम का सम करना होता है या आपको कोई कैलकुलेशन करनी होती है तो आप फॉर्मूलाज अप्लाई करते हो, बट यहाँ पर आप सिस्टम से नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में कोई भी सवाल लिखोगे तो सिस्टम आपको नंबर्स निकाल कर देगा, यानी यू डोंट हैव टू राइट
एनी काइंड ऑफ फॉर्मल फॉर्मूला और फंक्शन टू कैलकुलेट एनी नंबर, ठीक है। और इस टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं एनएलपी, सही है। तो हमारे पास एनालाइज डेटा में एक तो क्विक इंसाइट्स के ऑप्शंस मौजूद है, प्लस हमारे पास यहाँ पर एनएलपी मौजूद है कि हम सवाल पूछ सकते हैं। तो जैसे ही मैं कोई सवाल लिखूंगा, उसका रिस्पांस देखें कितना क्विकली सिस्टम मुझे ड्राइव करके निकाल कर दे रहा है, सही। सो दिस काइंड ऑफ फीचर, जिसे हम कहते हैं कि ये फीचर बेसिकली डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के काम आता है, ताकि क्विक इंसाइट्स या इंफॉर्मेशन हमें मिल सके, ठीक है। सो ये सेशन जो है वो इसमें, क्योंकि बिकॉज वी हैव मेजोरिटी ऑफ लोकल पीपल, तो मैं इस वजह से उर्दू में बात कर रहा हूँ। फॉर इंग्लिश वी विल हैव अ सेपरेट सेशन वेरी सून, ठीक है। बट आई विल ट्राई टू बी इन बायलिंगुअल इफ दिस इज ओके विथ ऑल ऑफ यू, ठीक है। ऑल राइट, अब हम देख लेते हैं कि ये जो फीचर हमारे पास है दैट इज एनालाइज, सही है। ये माइक्रोसॉफ्ट ने किन बेसिस के ऊपर डिजाइन किया है? इट गिव्स अस अ क्विक इंसाइट्स, बट वो बेस पॉइंट्स क्या है या वो डिफरेंशिएटर्स क्या है, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ले चलूंगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑफिशियल लिंक पे, ठीक है। और सबसे पहली चीज तो यहाँ पर देखिए, आप ये लिखी हुई है कि एक्सेल फॉर माइक्रोसॉफ्ट 365, यानी ये फीचर वहाँ अवेलेबल होगा जहाँ अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट 365 का वर्जन है। पुराने वर्जन में आपको ये फीचर नहीं नजर आएगा, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट्स दिए हैं कि आप सिस्टम से सवाल पूछोगे और वो आपको इनसाइट्स ऑटोमेटिकली ड्राइव करके देता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर फोर डिफरेंट पॉइंट्स के बेसिस पे वो एनालिटिकल डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स हमें रिटर्न करता है। नंबर वन रैंकिंग है, नंबर टू ट्रेंड एनालिटिक्स, फिर आउटलायर्स और नंबर फोर मेजोरिटी। तो ये फोर डिफरेंट टाइप्स आपको इस डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स में होती हुई नजर आएंगी, जो उसके बैकएंड पे एल्गोरिथम है वो परफॉर्म करता है, ठीक है। ऑल राइट, इसकी एक शॉर्ट वीडियो है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ऑफिस 365 का एक सवाल है, अब्दुल रऊफ पूछ रहे हैं हाउ टू गेट 365। सर एक्सेल 365 बेसिकली इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365, और ये एक लाइसेंस वर्जन होता है जिसकी कॉस्ट इस वक्त 19,000 रुपीज़ पाकिस्तानी बनती है पर ईयर, ठीक है। सो इफ़ यू वॉन्ट टू परचेज माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंस, आप गूगल पे जाएं, माइक्रोसॉफ्ट 365 लाइसेंस लिखें, आपको डिफरेंट लाइसेंस मिल जाएंगे जिसमें होम एडिशन है, इंटरप्राइज एडिशन है, कॉपरेट एडिशन है। और मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो होम एडिशन है, और इसकी कॉस्ट मैं जो पे करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट को दैट इज 19,000 फॉर पर ईयर, ठीक है सर। ऑल राइट, सो लेट मी प्ले अ वीडियो फॉर एनालाइज डेटा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि ये फीचर कहाँ काम आ सकता है, सही है। जस्ट गिव मी अ मिनट, ठीक है। In Excel, use Analyze Data to quickly ask questions about your data and get high-level visual summaries, trends, and patterns without writing complicated formulas. Select a cell in your data range. In the Home tab, select Analyze Data. Based on your data, Excel will analyze and generate pivot tables and charts for you to choose from, like trends, sums of sales, and more. Choose one or more that meet your needs to insert them into. ऑल राइट, अब हम एक एनालिटिक्स हम खुद करेंगे, ठीक है। एक हमने ऑप्शन देख लिया एनालाइज का, दूसरा ऑप्शन अब हम जो देखने जा रहे हैं वो देखेंगे कि हम खुद किस तरह से एक क्विकली डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम स्लाइसर्स का इस्तेमाल करेंगे, पिवट टेबल्स का इस्तेमाल करेंगे और एक समराइज रिपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं।
All right, let me share the full screen. All right, तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं पूरे डेटाबेस को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद मेरी जो बेस्ट प्रैक्टिस होती है वो ये होती है कि मैं इंसर्ट के टैब में जाके इस नॉर्मल रेंज को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा। और उसको कन्वर्ट करने के लिए आप इंसर्ट के टैब में टेबल पे क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटी सी विंडो आ जाती है क्रिएट टेबल की, जहाँ पर मेक श्योर कि आपने चेक लगाया हुआ हो माई टेबल एस हेडर्स का, एंड व्हेन यू क्लिक ओके तो अब आपकी जो नॉर्मल रेंज है दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एन स्ट्रक्चर फॉर्मेट, सही है। इसका बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है कि लेट सपोज इफ आई हैव दिस मंथली डेटा और नेक्स्ट मंथ अगर मेरे पास मजीद डेटा इसमें ऐड ऑन हो जाता है, एंड व्हेन आई क्लिक रिफ्रेश ऑन माई पिवट टेबल्स तो डेटा ऑटोमेटिकली या जो नंबर्स हैं वो अपडेट हो जाएंगे। दैट्स दी एडवांटेज वी गेट, ठीक है। अगर मैं इसको टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं करता और मैं अगर इसको नॉर्मल रेंज रखूँ और फिर मैं इससे मल्टीपल पिवट्स बनाऊँ और लेटर ऑन मुझे ये पता चले कि मेरा डेटा मजीद इंक्रीज हो गया है, तो फिर मुझे हर पिवट की मैनुअली रेंजेस को इंक्रीज करना पड़ेगा, एंड दैट इज टाइम कंज्यूमिंग। सो व्हाट आई कैन डू इज स्टार्टिंग पॉइंट पे ही मैं अपने डेटा को टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दूं। जब आप टेबल के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट टेबल वन का नाम इसको असाइन करता है, एंड दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। हम चाहते हैं कि हम अपना मॉडिफाइड नेम इसको असाइन करें। सो फॉर डूइंग दैट यू हैव टू गो टू टेबल डिजाइन, देन टेबल वन की जगह लेट सपोज मैं इसको डेटा का नाम दे देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ, ठीक है। तो अब इस रेंज का जो नाम हो गया वो डेटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अब हम मल्टीपल पिवट टेबल्स बनाएंगे। पिवट टेबल्स कैसे इंसर्ट करते हैं? इंसर्ट के टैब में पिवट टेबल पे आप क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, तो एक न्यू शीट पे एक बिल्कुल ब्लैंक पिवट इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पिवट टेबल्स का आइडिया होगा, ठीक है। अब हम थोड़ा सा मज़ीद इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल की बात करते हैं। मैं एक बाय डिफ़ॉल्ट पिवट टेबल बनाता हूँ, लेट्स से प्रोडक्ट वाइज हम सेल्स को यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। और अभी ये जो सेल्स है ये तमाम ईयर्स की है, यानी कोई स्पेसिफिक ईयर की नहीं है। जैसे मुझे ये पता करना हो कि ये 2010 में कितनी सेल्स हुई थी, 2011 में कितनी सेल्स हुई थी, तो वो मुझे अभी यहाँ से नहीं पता चल रही है। ये ओवरऑल सेल्स हैं। तो अगर आप ईयर की फील्ड को फिल्टर्स में प्लॉट कर दें और फिर वहाँ से आप किसी स्पेसिफिक ईयर को सेलेक्ट कर लें तो नंबर्स आपके पास अपडेट हो जाएंगे। और अब आपको ये अंदाज़ा हो गया कि ये जो सेल्स के नंबर्स हैं डिफरेंट प्रोडक्ट वाइज ये सर 2014 के, ठीक है। यहाँ मैं अगर इसको ऑल करूँगा तो ये ओवरऑल पोजीशन पे आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मुझे फिल्टर करना हो किसी फील्ड को तो मेरे पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है, विच इज़ कि मैं पिवट टेबल में रहते हुए एनालाइज के टैब में स्लाइसर इंसर्ट कर लूँ। स्लाइसर का बेनिफिट क्या होता है? स्लाइसर का बेनिफिट ये होता है कि ये एक विजुअल डिस्प्ले है, आपको एक बटन स्टाइल में एक इंटरफेस मिल जाएगा उस पर्टिकुलर फील्ड का जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड द बेनिफिट इज कि आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो आपके नंबर्स अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैं किसी भी ईयर पे क्लिक करता हूँ तो वो नंबर्स अपडेट हो जाते हैं, राइट। एंड इफ आई वॉन्ट टू गो अगेन टू दैट सिमिलर पोजिशन जहाँ पे मुझे ऑल सेलेक्ट करना हो तो आई हैव अ बटन कॉल्ड क्लियर फिल्टर ऑन टॉप राइट साइड, ठीक है। अच्छा, इसको आप फर्दर कस्टमाइज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जब आप इस स्लाइसर पे क्लिक करके रखते हो तो आप देखिए ऊपर आपको स्लाइसर का टैब नज़र आ रहा है जहाँ पर आप डिफरेंट कलर्स कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। प्लस आप इसके कॉलम के नंबर्स को इंक्रीज करके इसको रिसाइज कर सकते हैं इस तरह से भी, ठीक है। अब हम एक और काम करेंगे, हम एक विजुअलाइजेशन इंसर्ट करेंगे इस पिवट टेबल के हवाले से। सो उसको इंसर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इंसर्ट के टैब में मेरे पास पिवट चार्ट का ऑप्शन मौजूद है और एक मैं कॉलम चार्ट इंसर्ट करता हूँ।
ठीक है, अगेन जब आप एक्सेल में किसी विजुअलाइजेशन को इंसर्ट करते हैं तो उसके भी आपको कपल ऑफ ऑप्शंस नज़र आते हैं विद रिस्पेक्ट टू डिज़ाइन एंड फॉर्मेट, जो बहुत बेसिक लेवल की बात है। बट यहाँ पर हमें थोड़ी सी बात इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल की करनी है, ठीक है। सो व्हाट आई एम डूइंग हियर इज कि मैंने अभी तक सिंपल सर क्या किया है, एक पिवट टेबल इंसर्ट किया, ठीक है, एक स्लाइसर इंसर्ट किया मैंने और एक चार्ट इंसर्ट किया है, ठीक है। नाउ व्हेन आई क्लिक ऑन एनी ईयर, ठीक है, आप देखें आपको एक मूवमेंट नज़र आती है पिवट टेबल में और विजुअलाइजेशन में, चार्ट्स में, बिकॉज व्हेन यू क्लिक, व्हेन यू फिल्टर एनी पर्टिकुलर फील्ड फ्रॉम द स्लाइसर तो डेफिनेटली वो नंबर्स अपडेट हो जाते हैं, राइट। अब हम एक और काम करेंगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा, और वो काम ये होगा कि हम एग्जिस्टिंग पिवट टेबल को सेलेक्ट करेंगे, उसको कॉपी करेंगे और उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से हम लेट सपोज प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं और हम रीजन वाइज देखते हैं सेल्स को, ठीक है, कि अफ्रीका में कितनी सेल्स हैं, अमेरिका में कितनी है, एशिया और यूरोप में कितनी है। और इस पिवट टेबल का हम डिज़ाइन चेंज करते हैं सबसे पहले, लेट से ब्लू कलर असाइन करते हैं, और इसी सेकेंड पिवट टेबल में हम एक स्लाइसर इंसर्ट करते हैं, लेट सपोज मंथ वाइज, ठीक है, जहाँ मुझे जनवरी से दिसंबर की एक लिस्ट मिल जाती है। और फिर इस पिवट टेबल की विजुअलाइजेशन के लिए हम जाएंगे इंसर्ट पे, और यहाँ पर हम पिवट चार्ट इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एंड अगेन अ कॉलम चार्ट दैट इज डिसेंट वन, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पर एक डिफरेंस अंडरस्टैंड करना है कि क्या चीज़ यहाँ पर हो रही है। सो व्हेन आई क्लिक ऑन एनी मंथ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि योर दिस सेकेंड पिवट टेबल नंबर्स आर बीइंग फिल्टर्ड एंड अपडेटिंग विद रिस्पेक्ट टू दिस विजुअलाइजेशन, ठीक है। एंड व्हाट हैपेंस व्हेन आई गो टू द प्रीवियस सेक्शन, तो जहाँ मैं ईयर को सेलेक्ट करता हूँ, सो यहाँ पर मेरे पास दोनों पिवट टेबल साइड बाय साइड चेंज होते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं और विजुअलाइजेशन भी चेंज हो जाती है। नाउ दिस इज समथिंग वेरी गुड कि मेरे एक क्लिक करने से एंटायर आपका जो व्यू है वो फिल्टर हो रहा है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने आप को फिल्टर कर रहे हैं। बट द इशू इज दिस पॉइंट पे ये है कि जब मैं यहाँ किसी मंथ को सेलेक्ट करता हूँ तो उसका इम्पैक्ट फिल्टर नहीं होता इस लेफ्ट साइड के सेक्शन पे। हमें इसको रिजॉल्व करना है। नाउ हाउ टू डू दैट, वेरी वेरी सिंपल स्टेप है, इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो लेफ्ट साइड पे ईयर का स्लाइसर है, मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करने से एक मेन्यू ओपन हो जाता है। इस मेन्यू में रिपोर्ट कनेक्शंस लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप कोई पुराना वर्जन यूज करेंगे तो उसमें पिवट टेबल कनेक्शंस का अल्फाज लिखा हुआ होगा, अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो वहां पर रिपोर्ट कनेक्शंस लिखा हुआ होगा। सो व्हेन यू क्लिक ऑन रिपोर्ट कनेक्शंस, आपको यहाँ पर दोनों पिवट टेबल 1 एंड 2 हैज बीन बाय डिफॉल्ट चेक मार्क, ठीक है। सो दिस मींस के जब भी हम ईयर वाले स्लाइसर पर क्लिक करते हैं, इसी वजह से वो दोनों एरिया अपडेट हो जाते हैं। बट व्हेन आई गो टू मंथ स्लाइसर, राइट क्लिक, रिपोर्ट कनेक्शन, सो व्हाट हैपेंस, देयर इज अ लैकिंग ऑफ कनेक्शन विद द पिवट टेबल 1, और मुझे यहाँ पर उसको बिल्ड करना है। सो वट आई नीड टू डू, आई जस्ट नीड टू चेक मार्क एंड क्लिक ओके। नाउ वॉट हैपन्स कि अब मैं महीना सेलेक्ट कर रहा हूँ तो आप देखें दोनों तरफ उसका इम्पैक्ट आ रहा है, दोनों तरफ से वो फिल्टर हो रहा है। तो लेट सपोज वेन माई बॉस सेज के ओके रहीम गो फॉर 2013 एंड ऑगस्ट, सो आई जस्ट नीड टू क्लिक ऑन 2013 इन ऑगस्ट, माई एंटायर रिपोर्ट गेट्स अपडेटेड। एंड सीरियसली वी हैव नॉट यूज एनी काइंड ऑफ फॉर्मूला और एनी कॉम्प्लेक्स थिंग अप टिल नाउ, ठीक है, हमने कोई चीज़ भी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल नहीं की, लेकिन क्लिक्स करने से हमारी रिपोर्ट अपडेट हो रही है बहुत आसानी से, ठीक है। तो आप देखें कि लेटेस्ट वर्जन होने का फ़ायदा ये होता है कि हम अपने डेटाबेस को अल्टीमेटली एक कम टाइम के अंदर एक रिपोर्ट की शक्ल में उसको फॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पिवट टेबल्स, स्लाइसर्स एंड चार्ट्स, और जहाँ पर हमें कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, एंड जस्ट एन इंटरैक्टिव व्यू और
आप इसे एक डायनामिक व्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक दिस टेक्निक। दिस इज वन ऑफ द टेक्निक वी यूज टू प्रिपेयर क्विक रिपोर्ट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड टू डू द डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सो फार हमने सेशन के अंदर दो चीज़ें देखी अब तक। नंबर वन, कि अगर आपके पास ऑफिस 365 या एक्सेल 365 का लेटेस्ट वर्जन है, सो यू कैन गो टू एनालाइज डेटा, जहाँ पर सिस्टम आपको ऑटोमेटिकली कुछ इनसाइट्स निकाल कर दे सकता है। सेकेंडली, हमने ये देखा हाउ वी कैन क्रिएट आर ओन कस्टमाइज व्यू एंड इंटरैक्टिव व्यू विद द हेल्प ऑफ लेटेस्ट फीचर्स इन एक्सेल। सही है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू जो लोग लाइव प्रेजेंट हैं? आई होप जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे तो वो यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं उस वक्त, ठीक है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये रिपोर्ट तो हमने सर क्विकली बना ली और ये अच्छी भी लग रही है। अब हम एक और चीज़ के ऊपर थोड़ा सा बहस करते हैं, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ यू आर बेसिकली फ्रॉम फाइनेंस या अकाउंटेंट्स की फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, माइट बी ACCA या CA रिलेटेड। तो यहाँ पर हम एक फाइनेंशियल एग्जाम्पल को भी कवर करते हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल के अंदर है ना, यहाँ पर आपके पास इस वर्कबुक के अंदर दो शीट्स हैं। एक है ट्रायल बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस का मतलब आप सबको पता होगा क्या होता है, ठीक है। उसमें एक कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट्स होता है आपका, जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, इनकम, इक्विटी, ठीक है, सबके कोड्स आ रहे होते हैं। एक पूरा प्रॉपर ट्रायल बैलेंस है और उसमें डेबिट का और क्रेडिट का कॉलम मौजूद है। और यहाँ पर हम एक छोटा सा टास्क परफॉर्म करेंगे अभी, ठीक है। सो एज एन अकाउंटेंट या फाइनेंस पर्सन, ठीक है, वी हैव गॉट सम एंट्रीज, ठीक है। लेट्स से कि हमने जनरल जनरल एंट्रीज बनाई है। अब जनरल जनरल एंट्रीज का आइडिया तो आई होप सब सभी को होगा, ठीक है ना, कि हम एक अकाउंट कोड लेते हैं, पर एक ट्रांजेक्शन डेबिट हो रही होती है, उसका सेकेंड इम्पैक्ट क्रेडिट साइड पे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 7 एंट्रीज बनाई है और डेबिट और क्रेडिट बैलेंस डेफिनेटली आपको पता है इक्वली होता है हमेशा, ठीक है। अब ये जो 7 एंट्रीज हैं जो डिफरेंट अकाउंट कोड्स से पर्टेन करनी है और उसके अगेंस्ट कुछ क्या करना है, इन तमाम एंट्रीज को हमें पोस्ट करना है, ठीक है, यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर। सो आप में से कोई मुझे बताएगा कि आप चैट विंडो में लिख सकते हैं कि अगर मुझे ये तमाम एंट्रीज के बैलेंसेस ट्रायल बैलेंस में लेकर जाने हो, तो आपको क्या लगता है हम कौन सा फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई करें तो व्हाट इज योर आइडिया ऑन दिस पर्टिकुलर इशू? हाँ देखो, कुछ लोगों ने डिफरेंट रिस्पॉन्सेज दिए हैं, मैं आपको उसका आइडिया दे देता हूँ। यूज नहीं होगा, यानी आप में से वो लोग जो वी लुकअप या इंडेक्स मैच या एक्स लुकअप वो, क्योंकि देखो ये तो कॉमन सी बात है ना, कि जब जब एक अकाउंटेंट जनरल जनरल एंट्रीज बनाता है तो एक कोड जो है वो सिर्फ एक ही मरतबा यूज नहीं होता, वो तो मल्टीपल टाइम्स यूज होता है, ठीक है ना। अगर हम कोई एक्सपेंस पार्क कर रहे हैं तो एक्सपेंस का कोड हर हफ्ते यूज हो रहा, और महीने के एंड में हमें उसको ट्रायल बैलेंस में लेके जाना हो तो हमें वो सारी अमाउंट को सम करना पड़ जाए। वी लुकअप और इंडेक्स मैच का मसला ये है कि वो उस अकाउंट कोड की जो है ना पहली अकरेंस की ट्रांजेक्शन की अमाउंट को पिक करेगा, बट वो मल्टीपल अकरेंसेस की अमाउंट को पिक नहीं करेगा। तो यहाँ पर वी लुकअप और इंडेक्स मैच या एक्स लुकअप काम नहीं करता, क्योंकि इन फंक्शंस के अंदर लिमिटेशन ये है
कि वो फर्स्ट अकरेंस की वैल्यू उठाएगा बट वो मल्टीपल अकरेंस की वैल्यू उसको टोटल करके नहीं देगा। जबकि आप में से कुछ लोगों ने यहाँ पर सम इफ का बोला है जो कि बिल्कुल ठीक है। तो आप में से वो लोग जिन्होंने सम इफ्स बोला है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सम इफ्स क्या करेगा, वो अकाउंट कोड को सर्च करेगा और उससे रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज उस शीट में होंगी उसको टोटल करके वहाँ एक अमाउंट पोस्ट कर देगा ट्रायल बैलेंस में। अब ये काम कैसे होगा, ठीक है, इसको सीखना है, सही है। तो सबसे पहला काम और विथ दी बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, क्योंकि अक्सर ये होता है हम लोग मिस्टेक क्या करते हैं कि यूज़र जो है वो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करता है, यानी उसने सम इफ्स लिखना स्टार्ट किया। अब उसको पता है कि मुझे एक रेंज को सेलेक्ट करना है जो एक डिफरेंट शीट के अंदर है, तो वो यूज़र क्या करेगा, उस शीट पे जाएगा, वहाँ से वो पूरा कॉलम को मैनुअल सेलेक्ट करेगा। अब जब आप मैनुअल सेलेक्ट करते हो ना, तो देखो ऑर्गेनाइजेशंस का डेटा काफ़ी लार्ज डेटा होता है और चांसेस होते हैं कि यूज़र मिस्टेक करे। तो इसीलिए हम करते क्या है कि इन इंटेंशनल या अनइंटेंशनल मिस्टेक्स को मिनिमाइज करने के लिए ना हम बेस्ट प्रैक्टिसेस अप्लाई करते हैं। और बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, बहुत सिंपल है कि हम लोग एंट्रीज की शीट पे ना इन तमाम कॉलम्स को सेलेक्ट करेंगे जहाँ तक मेरी सारी एंट्रीज ख़त्म हो रही है, ठीक है। टोटल को मैं सेलेक्ट नहीं करूँगा बट मैं एंट्री नंबर 7 तक जाऊँगा और मैं हर कॉलम का एक नाम असाइन कर दूँगा। अच्छा, नाम असाइन करने से क्या होगा सर, क्योंकि जब आप दूसरी शीट पर जाओगे ट्रायल बैलेंस पे तो वहाँ पर आप उन नेम्स को कॉल कर सकते हो, दैट विल गिव यू एन एडवांटेज। आपको मैनुअली डेटा को बार बार सेलेक्ट नहीं करना। सो व्हाट आई डिड इज आई सेलेक्टेड ऑल दीस 5 कॉलम्स, सीरियल नंबर, अकाउंट कोड, अकाउंट नेम, डेबिट एंड क्रेडिट, एंड आई विल गो टू फॉर्मूलाज, ठीक है, एंड आई विल क्लिक ऑन क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक छोटी सी विंडो नजर आएगी एंड यू हैव टू आंसर कि भाई एक्सेल आपको हर कॉलम का एक नाम असाइन करके देगा, लेकिन आपको ये बताना है कि वो नाम कहाँ से पिक करे। तो हम कहेंगे कि वो टॉप रॉ से पिक करे वो नाम, ठीक है, एंड वी क्लिक ओके। सो व्हाट हैपेंस के नेम मैनेजर की विंडो में देखें, विद इन अ सेकेंड तमाम कॉलम के नाम्स बने हुए आ गए एंड दैट गिव मी एन एडवांटेज, मेरा काम आसान हो जाएगा अब, ठीक है। दैट्स वन ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गो टू ट्रायल बैलेंस शीट और यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करूंगा सम इफ सम रेंजेस, क्योंकि मुझे डेबिट के बैलेंसेस चाहिए, आई विल राइट डेबिट। अच्छा, ये डेबिट कौन सा डेबिट है, ये डेबिट बेसिकली उस कॉलम का नाम है जो एंट्रीज की शीट में मौजूद है, ठीक है। क्राइटेरिया रेंज 1, अकाउंट कोड और क्राइटेरिया 1 में क्या आएगा, ये पहला पहला कोड जो A6 के अंदर मौजूद है जो इशूड फॉर। देखें सम इफ्स को अंडरस्टैंड करें, सम इफ्स क्या कर रहा है, A6 के अंदर जो अकाउंट कोड है ना वो एंट्रीज की शीट के अंदर अकाउंट कोड के कॉलम में सर्च करेगा। अगर ये अकाउंट कोड वहाँ होगा और उसका बैलेंस होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, और अगर नहीं होगा तो यहाँ 0 आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। जब आपका फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है, आपने इसको क्या किया, कॉपी एंड पेस्ट कर दिया। अब मैं डाउनवर्ड जाता हूँ, अब यहाँ देखें एक अकाउंट कोड है 008083003 ट्रेड क्रेडिटर सर्विसेज के नाम से, जिसका बैलेंस यहाँ पर आ रहा है 43,336। जब मैं एंट्रीज की शीट पे जाता हूँ और यहाँ चेक करता हूँ तो सर ये अकाउंट कोड की अमाउंट सिर्फ 11,000 है, बाकी कहाँ से आ रही है, क्योंकि सर मैं जैसे कहा कि पॉसिबल है कि ये अकाउंट कोड की एक और एंट्री बनी हो, एंट्री नंबर 6, जहाँ पर 32,000 रुपये का बैलेंस मौजूद है। तो 32,000 और 11,000 दोनों को प्लस करें तो 43,000 बनता है, जो मेरे पास ट्रायल बैलेंस की शीट में आसानी से आ गया। यही काम अगर मैं वी लुकअप या इंडेक्स मैच से करता ना तो यहाँ पर सिर्फ 11,000 आना था, क्योंकि वी लुकअप ने फिर 11,000 प्लस 32,000 को प्लस नहीं करना था। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो जो रेफरेंस फंक्शंस हैं उनकी लिमिटेशन यही है कि वो फर्स्ट अकरेंस की वैल्यू रिटर्न कर देता, ठीक है। तो बज़ाहिर हमें यहाँ पर सम इफ्स को यूज़ करना था।
वंस वी गेट द डेबिटेड डेबिट बैलेंसेस, तो फिर हमारा काम यहाँ आसान हो जाता है। अब हमें क्या करना है, सिंपल डेबिट की जगह क्रेडिट लिखना है। ये कौन सा क्रेडिट है सर? सर ये कॉलम है क्रेडिट जो एंट्रीज की शीट पर है। ठीक है, फॉर्मूला हम कॉपी पेस्ट करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रायल बैलेंस के अंदर मेरे पास बिल्कुल बॉटम पे जो बैलेंस आ रहा है दैट इज 160,289, और एंट्रीज की शीट में भी यही बैलेंस है। आप देख सकते हो जगह पर पोस्ट करवा दिया है। ठीक है सर। अच्छा, ये जो सेशन के अंदर फाइल्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप लोग को चाहिए तो मैं व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा इस सेशन के बाद। ठीक है, तो आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको इस्तेमाल कर लीजिएगा। ठीक है, मेंशन कर दिया है मैंने। मलिक मोहम्मद उमर यार कह रहे हैं सर आपने सम इफ अप्लाई करते टाइम मेंशन नहीं किया कि कौन से शीट से वैल्यू पिक कर रहा है सम। तो सर इस पे पूरी डिटेल बात हुई है। अभी बात क्या हुई है कि हमने सबसे पहले एंट्रीज की शीट पे इन तमाम कॉलम्स को नाम दिया, असाइन कर दिया, जो कि ऑटोमेटिकली स्टोर हो चुका है नेम मैनेजर के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तमाम कॉलम के नाम्स हमने असाइन कर चुके थे नेम मैनेजर के अंदर, वो स्टोर हो चुके हैं। और हमारा काम आसान हो गया कि हम ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड उन कॉलम के नाम सिर्फ असाइन करने हैं। सिलेक्शन ऑटोमेटिकली वहाँ से हो चुका है। अगर मैं इसी प्रोसेस को मैनुअल रखता तो मेरे लिए वो चीज़ और कॉम्प्लेक्स हो जाती है, एंड दैट इज़ नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस टू डू। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट और कोई सवाल है किसी के? समीर मलिक कह रहे हैं प्लीज सर टेल हाउ टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। तो सर ताहा पोपाटिया का नाम आपने सुना होगा, सर ताहा पोपाटिया ने इनिशिएटिव लिया है, आप उनसे कांटेक्ट करके और ग्रुप का लिंक ले लें। ठीक है समीर, क्योंकि जितनी भी स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स यहाँ पर आ रहे हैं वो उन्हीं ताहा पोपाटिया सर की व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक के थ्रू आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। ठीक है जी, तो दिस इज नाउ सॉल्व्ड, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं नेक्स्ट फाइल ओपन करता हूँ। ऑलराइट, सो नाउ वी हैव अनदर सिनेरियो बेस्ड डेटा एनालिसिस शीट, जहाँ पर आपको एक डेटा नज़र आ रहा होगा, इन दैट डेटा इज रिलेटेड टू सेल्स पर्सन नेम्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नेट सेल्स कितनी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आया, प्रॉफिट रेशियो कितना था। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ फॉर्मूला दैट प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइड बाई नेट सेल्स प्रॉफिट रेशियो, एंड सेल पर कस्टमर इज बेसिकली नेट सेल्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ कस्टमर्स। सो दिस इज़ आर प्राइमरीली अ डिस्क्रिप्टिव डेटा। ठीक है, और लेट्स से के मैनेजर ने मुझसे कुछ 7 सवाल पूछे हैं। ठीक है, और उन्होंने कुछ डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल सवाल पूछे हैं और मुझे उनका रिस्पॉन्ड करना है। आंसर्स मैंने यहाँ लिख के रखे हैं, क्योंकि हम जो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई करेंगे दैट विल कम थ्रू दीज, ये वाले आंसर्स इसमें से ड्राइव होंगे। सही है, सो सबसे पहला सवाल मैं पढ़ता हूँ, विच पर्सन मेड सेल्स इज इक्वल्स टू 1624। ठीक है, तो अगर हम मैन्युअली देखें डेटा के अंदर, ठीक है, बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ लॉजिक, सो दैट इज 1624 जो किया है वो जे राम ने किया है। मैं इसको हाईलाइट भी करता चलूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाएगा, यानी हमें ये आंसर निकालना है, जे राम, ठीक है, जिसने 1624 की नेट सेल्स की है। ठीक है, तो मुझे कोई आप में से ये बताए कि वो कौन सा फंक्शन है या फॉर्मूला है जिसके थ्रू मुझे आंसर मिल सकता है। एनी वन ऑफ यू, यू कैन राइट इन द चैट।
Okay, so the one is very basic idea which we can go through is V lookup भी हो सकता है, but अगर मुझे कॉलम्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट जाना हो तो फिर बेहतर है कि वो इंडेक्स मैच हो। अब्दुल रऊफ कहते हैं सर इफ फंक्शन, जो कि बिल्कुल ही गलत है। इफ फंक्शन आप उस वक्त यूज करते हैं जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है। इस डेटा एनालिसिस के अंदर डिसीजन मेकिंग नहीं हो रही, एक्सट्रैक्शन ऑफ आंसर हो रहा है, ठीक है, यानी रेफरेंस फंक्शन का इस्तेमाल होगा। फंक्शंस को बड़ा ध्यान से पढ़ा करें एक्सेल के अंदर, ठीक है। हर फंक्शन, अगर कभी डिफिकल्टी हो तो हर फंक्शन के आगे अपनी एक डेफिनेशन बना कर लिखें, ठीक है। देखें बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपसे कोई ये कहे कि मुझे डेटा में से कोई चीज़ निकालनी है, ठीक है, वो किसी पोजीशन पर पड़ी हुई है, वो मुझे निकालनी है सिर्फ, तो फिर आप रेफरेंस फंक्शन यूज़ करते हो, जिसमें वी लुकअप, इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप, फिल्टर का फंक्शन भी है, वो Excel 365 में होता है। कोई आपसे ये कहे कि एक सिचुएशन है, उसके बेसिस पे मुझे आउटपुट मुख्तलिफ चाहिए, ठीक है, यानी डिसीजन मेकिंग करनी है कि अगर स्टूडेंट ने 50 से अबव मार्क्स लिए हैं तो मुझे पास चाहिए, अगर 50 से कम लिए हैं तो मुझे फेल चाहिए, तो अगर इस तरह की मैन्यूपुलेशन करनी है तो फिर वहाँ इफ का फंक्शन आता है, ठीक है। तो हर फंक्शन की है ना यूटिलिटी को बड़ा गौर से पढ़ा करें, अदरवाइज आप मिक्स कर देंगे उसको। बट आई होप अभी आपको क्लियर होगा कि इफ हम डिसीजन मेकिंग के लिए करते हैं, बट यहाँ पर हमें डेटा में से आंसर को सिर्फ निकालना है। दूसरी एक और बात समझें, अगर आपसे कोई ये कहे कि मुझे डेटा में से कुछ मल्टीपल आउटपुट्स निकालने और उन तमाम आउटपुट्स को आपस में एग्रीगेट भी करना है, तो फिर मेरे दिमाग में सम इफ आ सकता है, काउंट इफ आ सकता है, एवरेज इफ आ सकता है, ठीक है। सो एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्किल को सीखने के लिए आपको बड़ा क्लैरिटी रखनी पड़ेगी फंडामेंटल्स पे। ऑलराइट, तो यहाँ पर मुझे क्या करना है सर, मुझे यहाँ पर सिंपली आंसर निकालना है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली बात ये कि मैं जो यूज़ करूँगा वो एक्सेल लुकअप यूज़ करूँगा, ठीक है। वाई? बिकॉज आई एम ट्रेनिंग ऑन डेटा एनालिटिक्स फॉर Excel 365, ठीक है, बट यू कैन मैन्यूपुलेट दिस विथ इंडेक्स एंड मैच एज वेल। नंबर टू, कि जब आपके पास एनालिटिकल क्वेश्चंस आपके मैनेजर या सीनियर मैनेजर आपसे पूछते हैं, तो एनालिटिकल क्वेश्चंस जब वो आपको देते हैं तो आप उसमें से दो चीज़ें सर्च करते हैं सवाल को पढ़ते वक्त, ठीक है, कि व्हाट इज गिवन, पहले आप ये ढूंढते हैं कि क्या चीज गिवन है जिसकी मदद से आप आंसर को निकालेंगे, और दूसरा व्हाट इज रिक्वायर्ड, ठीक है। ये अगर आपको सवाल के अंदर ये दो चीजें पता चल जाएंगी, आपके लिए एनालिटिकल सवाल आसान हो जाएगा। तो अगर सर मैं क्वेश्चन नंबर वन को फिर से रीड करूं, ठीक है, तो मैं इसमें से दो चीजें निकालूंगा, व्हाट इज गिवन, व्हाट इज रिक्वायर्ड, विच पर्सन, किसने, विच, इसका मतलब कि रिक्वायर्ड है पर्सन का नाम, और आगे क्या लिखा हुआ है, मेड सेल्स 1624, दिस इज गिवन, सेल्स का नंबर दिया हुआ है। जब डायरेक्टली किसी फंक्शन को लिखूंगा और फिर मैं उसके आर्ग्यूमेंट्स को फिल करूंगा तो मेरे लिए यहाँ मसला होगा, ठीक है। मेरे लिए मसला क्या होगा कि सर मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैं जैसे ही किसी फंक्शन को लिखूंगा, ठीक है, और मैं कोई रेंज सेलेक्ट करूंगा, तो मुझे उसका ख्याल रखना पड़ेगा कि कहाँ मुझे डॉलर का साइन लगाना है, और बार बार मुझे हर सवाल पे मैन्युअली उस डेटा को जाके, उस कॉलम को जाके सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें हो सकता है मैं मिस्टेक कर दूं। तो बेहतर यह है कि मैं मैन्युअली हर सवाल के अंदर चीज़ों को सेलेक्ट करने से अच्छा मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस को अप्लाई कर लूं, ठीक है। फाइंड फंक्शन समीर किसी और पर्पस के लिए होता है। फाइंड का फंक्शन पोजीशन का एक नंबर बताता है, ठीक है। मैं समीर को अभी रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट टू हैव हिज क्लेरिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल समीर, इस पे ज़रा ध्यान देना, आपका नाम मैंने एक सेल पे लिखा हुआ है, ठीक है,
और मैं कहता हूँ फाइंड करो, फाइंड क्या करो, लेट सपोज मैं समीर की स्पेलिंग में ना एम की पोजीशन निकालना चाहता हूँ, तो मैं उसको कहता हूँ एम को फाइंड करो इस सेल के अंदर, वो कहता है कि थर्ड पोजीशन पर है। तो जो फाइंड का फंक्शन होता है या सर्च का फंक्शन होता है ना, वो बेसिकली एक पर्टिकुलर कैरेक्टर हो गया या अल्फाज हो गया उसकी पोजीशन को रिटर्न करता है। यहाँ पर हमें कोई पोजीशन रिटर्न नहीं करनी, हमें एक आउटपुट निकालना है, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द एक्स लुकअप। आई होप समीर दिस इज क्लियर टू यू नाउ। ठीक है, ऑल राइट। सो नेक्स्ट इज सर अगेन व्हाट वी वर डिस्कसिंग, कि मैं बेस्ट प्रैक्टिसेस की तरफ जाऊंगा। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेलेक्ट द एंटायर डेटा, ठीक है, और फॉर्मूलाज के अंदर जाकर मैं यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ, और इसके बाद मैं सिर्फ टॉप रॉ पे चेक लगाऊंगा, ओके कर दूंगा, यस। ठीक है, अच्छा मैं बाय डिफॉल्ट जितनी भी नेम रेंजेस हैं उनको मैं डिलीट कर दूं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। ओके, सो अगेन सेलेक्टिंग द डेटा, फॉर्मूलाज क्रिएट फ्रॉम सेलेक्शन, सिर्फ टॉप रो पे चेक लगेगा बस, ठीक है। और अब मैं नेम मैनेजर में जाके देखूंगा तो मेरे पास तमाम कॉलम के नाम्स बने हुए आ गए। दैट विल गिव मी एन एडवांटेज कि मुझे मैनुअल सेलेक्ट नहीं करना, मैं इनको किसी भी फंक्शंस के अंदर कॉल कर सकता हूँ। तो नाउ आई विल स्टार्ट इक्वल्स टू एक्स लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू हमारे पास मौजूद है, दैट इज अ सेल्स नंबर फॉर 1624। लुकअप एरे, लुकअप एरे क्या है, यानी ये जो वैल्यू है ये मुझे कहाँ मिलेगी, ठीक है। सो आई नो कि सर ये वैल्यू मुझे नेट सेल्स के कॉलम में किसी पोजीशन पे मिलेगी, और जब ये वैल्यू अपने आप को किसी पोजीशन पे फाइंड आउट कर लेगी तो उसके रिटर्न में आपको क्या चाहिए, उसके रिटर्न में मुझे एक आउटपुट चाहिए जो सेल्स पर्सन के कॉलम से आएगा। सो आई हैव सेलेक्टेड सेल्स पर्सन कॉलम एंड यू कैन सी जे राम हैज़ बीन रिटर्न वेरी सक्सेसफुली। क्यों? बिकॉज उसने ही 1624 की सेल्स की है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज एक्स लुकअप, ठीक है। आप में से वो लोग जो इंडेक्स और मैच यूज करते हैं फॉर आई मीन फॉर दोज ऑफ यू हु हैव द ओल्डेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल, आई मीन मैं उनके लिए बता देता हूँ। इंडेक्स आप लिखते हैं, इंडेक्स में सबसे पहला आर्ग्यूमेंट होता है एरे। एरे मीन्स के व्हाट एग्जैक्ट आउटपुट यू वांट, व्हाट व्हाट इज रिक्वायर्ड बेसिकली। सो वी वांट अ सेल्स पर्सन नेम, देन वी स्टार्ट विद अ मैच फंक्शन, लुकअप वैल्यू सेल्स का नंबर 1624 हमारे पास मौजूद है, देन वी विल सेलेक्ट द नेट सेल्स कॉलम, और वो एग्जैक्ट मैच के लिए हम जीरो यूज करते हैं। सो दैट विल ऑल्सो टेक्निकली गिव मी जे राम। अगर आपको इंडेक्स और मैच की अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप यूज कर सकते हो, अदरवाइज आई प्रेफर, क्योंकि बहुत सारे जो काम है वी लुकअप इंडेक्स मैच से बेहतर इस वक्त एक्स लुकअप है, ठीक है। उसमें फंक्शनैलिटी ज़्यादा हैं, उसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा हैं, तो हम बहुत फ्लेक्सिबल हो गए एक्स लुकअप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा, देखो जितना पुराना वर्जन होगा उतनी तकलीफ ज़्यादा होगी एनालिसिस के लिए, जितना अच्छा लेटेस्ट वर्जन होगा उतनी आसानी होगी यूज़र को एनालिसिस करते हुए। सो देन चॉइस इज़ योर्स, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स मी मूव टू द नेक्स्ट नंबर टू। हु मेड मैक्सिमम सेल्स, ठीक है, किसने मैक्सिमम सेल्स की हुई है, ये भी एक एनालिटिकल क्वेश्चन है। अगर मैं मैन्युअली देखूं तो मैक्सिमम सेल्स जो है वो अहमद ने की हुई है, लेट मी हाईलाइट दिस फॉर यू, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। सही है, अहमद ने मैक्सिमम सेल्स की हुई है, तो मैं कैसे इसको फाइंड आउट करूंगा, एक्स लुकअप, ठीक है। लुकअप वैल्यू, अब लुकअप वैल्यू क्या है, मैक्सिमम सेल्स, लेकिन कौन सी मैक्सिमम सेल्स वो तो मुझे मालूम नहीं है, तो यहाँ पर मुझे एक और फंक्शन को ऐड करना होगा, दैट इज मैक्स। मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल के देता है। सो मैं मैक्सिमम को कहूँगा कि मुझे नेट सेल्स के कॉलम में से मैक्सिमम वैल्यू निकाल के दो, ठीक है, और उस मैक्सिमम वैल्यू को सर्च करो अगेन सेम कॉलम में, और फिर मुझे रिटर्न करो सेल्स पर्सन का नाम, एंड दैट विल बी वेरी इजी फॉर मी। अहमद मेरे पास यहाँ पर बहुत आसानी से
आ गया, ठीक है जी। ऑल राइट, सो वी हैव सो फार सॉल्व टू क्वेश्चंस, ठीक है जी। नेक्स्ट इज हु सोल्ड टू मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स, सो दिस इज अगेन वेरी इजी, दिस इज वाइस वर्स ऑफ और आई मीन एज कंपेयर टू क्वेश्चन नंबर टू। सो एक्स लुकअप, किसने मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को सोल्ड किया। तो पहले हम मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स निकालेंगे, तो मिन का फंक्शन हम ऐड कर देंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कस्टमर्स कॉलम। तो मिन का फंक्शन क्या करेगा, सबसे मिनिमम वैल्यू निकालेगा, जो कि यहाँ पर देखो 7 है, जो जुनेद की रॉ में आ रहा है, ठीक है 7। जब इसकी पोजीशन भी इसी कॉलम से आएगी, ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स। और रिटर्न एरे क्या होगा सर, रिटर्न एरे होगा, मुझे नाम चाहिए, सो अगेन आई विल सेलेक्ट सेल्स पर्सन, सो यहाँ जुनेद आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। सो इजी राइट। अगर देखो मैं वी लुकअप करता ना, तो वी लुकअप तो यहाँ पर फेल हो जाता, बिकॉज वी लुकअप के अंदर की कैपेबिलिटी नहीं है कि वो राइट से लेफ्ट की रिवर्स पोजिशन पे जा सके, सो वी लुकअप तो यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। इंडेक्स और मैथ्स है, ऑल दो मैं थोड़ा बहुत इसको हैंडल कर लेता, बट माई प्रेफरेंस वॉज अगेन टू डू एवरी थिंग विद दी एक्स लुकअप विद द लेटेस्ट फंक्शन अवेलेबल, ठीक है। गोइंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मैक्स फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, येस वी हैव यूज द मैक्स। देखिए सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा, यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन फर्स्ट, जो सवाल है मैं उसकी इंटरप्रिटेशन करते हुए उस फंक्शन के अंदर मल्टीपल फॉर्मूलाज को नेस्ट कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर टू को पढ़े कि किसने मैक्सिमम सेल्स की थी, तो मुझे मैक्स का फंक्शन से मुझे मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट करनी थी और मुझे उस शख्स का नाम भी निकालना था। क्वेश्चन नंबर थ्री को थोड़ा सा फोकस करें, तो वहां पर लिखा था किसने मिनिमम नंबर ऑफ कस्टमर्स को सोल्ड किया, तो वहां पर मुझे मिनिमम और एक्स लुकअप की कॉम्बिनेशन के साथ जाना था, ठीक है। नंबर फोर आते हैं, व्हाट इज द सेल पर कस्टमर फॉर द पर्सन हु हैज लोवेस्ट प्रॉफिट रेशियो। सो अगेन सवाल में देखो दो चीजें निकालनी है, मैंने अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, व्हाट इज गिवन व्हाट इज रिक्वायर्ड। अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे तो सवाल आसान हो जाता है। सो व्हाट इज द सेल पर कस्टमर, दिस इज रिक्वायर्ड, कि सेल पर कस्टमर कितना है उस शख्स का जिसका प्रॉफिट रेशियो सबसे कम है, ठीक है। तो पहले प्रॉफिट रेशियो के कॉलम में आते हैं और देखते हैं कि प्रॉफिट रेशियो सबसे कम किसका है, जरा आप लोग मुझे चैट विंडो में बताएं ताकि आप लोग भी थोड़ा सा पार्टिसिपेट कर सकें। प्रॉफिट रेशियो परसेंटेज सबसे कम कहाँ पर है ये मुझे बताएं, और कितनी है और किसकी है, क्विकली क्विकली डेटा में देखें और मुझे चैट विंडो में बताएं। शाबाश, अहमद की है 28%, ठीक है, वेरी गुड। और चाहिए क्या मुझे, समी 21 तो है ही नहीं कहीं पे, ठीक है, वो नंबर ऑफ कस्टमर के कॉलम को आप देख रहे हो समीर, मैं प्रॉफिट रेशियो के कॉलम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 28%, ठीक है, विच इज अहमद, और यहीं से हमारा सेल पर कस्टमर है 171, ठीक है। अब ये चीज़ तो हमने मैन्युअली फाइंड आउट की है ना, हमें तो उसको फॉर्मूला के थ्रू निकालना है, सही है। तो हम फॉर्मूला के थ्रू कैसे करेंगे, एक्स लुकअप, ठीक है। सो व्हाट इज द सेल पर कस्टमर फॉर द पर्सन हु हैज लोवेस्ट प्रॉफिट रेशियो, सो वील गो फॉर मिनिमम मिनिमम ऑफ प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। अगेन सेम कॉलम आएगा ताकि उसकी पोजीशन हमें पता चले, और रिटर्न क्या होगा, सेल पर कस्टमर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास 171 आ गया वेरी इजीली, इसको मैं लिख देता हूँ, ठीक है जी। हु सोल्ड टू सेकेंड हाईएस्ट, अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, इसका जवाब मुझे बताएं, किसने सेकेंड हाईएस्ट सोल्ड किया है, ठीक है। हमने तीन कितने, चार सवाल कर लिए, पांचवा सवाल है हु सोल्ड टू सेकेंड हाईएस्ट, कैसे पता चलेगा। तो नेट सेल्स के कॉलम के अंदर सेकेंड हाईएस्ट सेल्स किसकी है सर, ये मेरे ख्याल से जावेद की, जो मुझे भी नजर आ रही है, ठीक है, ऐसा ही है, 2277 जावेद है ना।
हाँ, तो अब ये फॉर्मूला के थ्रू कैसे निकालेंगे, सवाल ये है ना कि ये कौन सी टेक्निक होगी। तो चलें आए मैं आप लोग से एक एक इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की जगह मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ आप लोग के लिए। लेट सपोज कि मैं कुछ नंबर्स यहाँ लिख दूँ, सम नंबर्स, ठीक है, और मैं कुछ रेंडम नंबर्स आप लोग के लिए लिखता हूँ, फिर मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप लोग मुझे उसका रिस्पॉन्स करेंगे, ठीक है। लेट्स से ऑलराइट, सो दीज आर द नंबर्स। तो सबसे पहले मुझे बताएं इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्विकली क्विकली मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है, चैट विंडो में लिखें इस रेंज के अंदर सबसे मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमम, हाँ ठीक है, मैक्सिमम सर 99 है ना, मिनिमम बताओ फटाफट, क्विकली क्विकली क्विकली, मिनिमम 12 है, हाँ ठीक है, सही है। अब मैं यहाँ पर पूछता हूँ आप लोगों से, सेकेंड हाईएस्ट बताओ, सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू क्या है? 99 के बाद सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू यहाँ पर क्या होगी? 85 होगी, 85, हाँ वेरी गुड। मुझे अब ये बताओ कि 85 को लाने के लिए मैं कौन सा फंक्शन यूज करूँ, यानी वो अभी तो मैनुअल बताया ना आपने, प्रैक्टिकली डेटा तो बहुत बड़ा होगा, ऑर्गेनाइजेशन के डेटा पे आप मैनुअल काम तो नहीं करोगे, आपको तो एक स्मार्ट अप्रोच चाहिए ना एनालिटिकल। तो कौन सा फंक्शन है जो 85 निकाल के दे दे मुझे क्विकली, यानी मुझे सेकेंड हाईएस्ट निकाल के दे दे, इफ नहीं होगा, मैंने अभी इतना समझाया इफ पे, इफ हमेशा डिसीजन मेकिंग, इस पे कहाँ हो रही है डिसीजन मेकिंग, मलिक मोहम्मद उमर, यहाँ कोई डिसीजन मेकिंग हो ही नहीं रही है, यहाँ तो नंबर निकालने की बात हो रही है ना, एक्सट्रैक्ट करना है नंबर। कोई और रिस्पॉन्ड करे प्लीज, 85 के लिए मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना चाहिए, मैनुअल नहीं, मैं आप लोगों से वो पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला बेस अप्रोच, अगर आता है तो यस लिखे, नहीं आता तो नो लिखे। ठीक है, अब काफी लोगों को नहीं मालूम तो आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक फंक्शन है दैट इज नोन एज लार्ज, ठीक है, अब इसमें ना सिनेरियो मैं सिंपल रख रहा हूँ, अदरवाइज मैं कॉम्प्लेक्स भी कर सकता हूँ उसको, बट मैं अभी थोड़ा सा सिंप्लीफाई रख रहा हूँ। लेट मी अप्लाई द लार्ज फंक्शन, लार्ज फंक्शन ये ना दो आर्ग्यूमेंट्स है, नंबर वन इज एरे, एरे मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी आपने रेंज को सेलेक्ट किया, के वैल्यू वो वैल्यू है जो आपको निकालनी है, यानी आपको सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे 2 लिखेंगे तो आपको 85 मिल जाएगा, अगर आप 1 लिखेंगे तो आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, वही जो मैक्स का फंक्शन करता है ना वो वैसा हो जाएगा, अगर आपको सेकेंड हाईएस्ट निकालनी है तो आपने 2 लिखा, अगर आपको थर्ड हाईएस्ट निकालनी होगी तो 2 की जगह आप क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, तो आपको थर्ड हाईएस्ट मिल जाएगी, अगर आपको फोर्थ हाईएस्ट चाहिए तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स में करूँ जस्ट फॉर द मीन टाइम, अगर किसी को समझ आता तो ठीक है, अगर नहीं भी आता तो कोई मसला नहीं है। लेट सपोज मेरे पास बहुत सारी वैल्यूज हैं और क्विकली मुझे टॉप 3 निकालना है, ठीक है, तो अगर मैंने लार्ज का फंक्शन लगाया और मैंने इसको कहा कि भाई मुझे हाईएस्ट निकाल के दो, फिर मैंने इसको कॉपी किया, तो यहाँ पर अब जरा गौर कीजिएगा, ये लार्ज का फंक्शन बार बार मुझे हाईएस्ट वैल्यू निकाल के दे रहा है, 99 99 99, मुझे मैन्युअली इसको 1 से 2 करना पड़ेगा, फिर मुझे इसको मैन्युअली 1 से 3 करना पड़ेगा, तो मुझे टॉप 3 वैल्यूज पता चलेगी। अब लेट सपोज एग्जाम्पल क्या हो सकती है, एग्जाम्पल है सर एक ABC बैंक है, उस ABC बैंक की 1400 ब्रांचेस हैं, डेली बेसिस पे हमारे पास क्या होता है सर, डेली बेसिस पे हमारे पास डिपॉजिट्स के बैलेंसेस होते हैं, ठीक है, तो मेरे
बॉस मेरे मैनेजर मुझे एक एनालिटिकल क्वेश्चन देते हैं कि आई वांट टॉप 25 ब्रांचेस विथ डिपॉजिट्स। तो अगर मैं एक एक करके करूंगा तो सर आप अब आप समझ सकते हैं कि इसमें तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, अगर मैं लार्ज फंक्शन की इस वैल्यू को 1 बाय 1 25 मरतबा मुझे उसको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सवाल क्या दिया कि 1400 ब्रांचेस में से 25 टॉप ब्रांचेस निकालो जिसके डिपॉजिट्स मतलब टॉप 25 में फॉल करते हैं। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर इस मैनुअल अप्रोच पे नहीं जाऊंगा, मैं इसको थोड़ा सा डायनामिक करूंगा और वो इस तरह से होगा कि सर मैं लार्ज फंक्शन तो स्टिल यूज करूंगा बट यहाँ पर मैन्युअली 1 2 3 4 लिखने की बजाय मैं एक फंक्शन ऐड कर दूंगा रॉस का। ठीक है, और इसको मैं एब्सोल्यूट करता हूँ और अब आप देखें जैसे मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा तो देखें इसने टॉप 3 वैल्यूज को फॉरन से मुझे आसानी से निकाल के दे दिया। तो रॉज एक और फंक्शन है जो बेसिकली करता है ये बैक एंड पे वो रेंज के अंदर नंबर ऑफ रॉज की वैल्यू रिटर्न करता है और जैसे जैसे रेंज डायनेमिक होती जाती है उसका बैक एंड पे नंबर इंक्रीज होता जाता है। ये तो खैर मैंने थोड़ी सी एडवांस बात कर दी बेस्ड ऑन अ प्रैक्टिकल सिनेरियो, बट अभी मुझे आप लोग को जो एक आइडिया देना था कि सेकेंड हाईएस्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं या थर्ड हाईएस्ट कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए आपको ये समझ में आ गया कि लार्ज का फंक्शन होता है। और अगर आपसे कोई ये कहे कि मुझे सेकेंड स्मॉलेस्ट या थर्ड स्मॉलेस्ट वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए स्मॉल का फंक्शन होता है। ठीक है, हम आ जाते हैं डेटा एनालिसिस के ऊपर जो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है। तो सर अब हम कहते हैं हु सोल्ड सेकेंड हाईएस्ट, किसने सेकेंड हाईएस्ट सोल्ड किया है। तो मैंने हाईलाइट तो वैसे किया हुआ है कि जावेद ने किया हुआ है, बट हाउ टू एग्जीक्यूट एक्स लुकअप। ठीक है, क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट की बात करें आप क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, हु मेड मैक्सिमम सेल्स, वहां पे हमने मैक्स लगाया था। अब क्योंकि मैक्सिमम की बात नहीं हो रही, सेकेंड हाईएस्ट की बात हो रही है, तो मैं कहता हूँ ठीक है लार्ज फंक्शन। अच्छा, लार्ज फंक्शन में मैं क्या यूज सेलेक्ट करूंगा, कॉलम नेट सेल्स का, उसमें 2, क्यों 2 सर, सेकेंड हाईएस्ट निकालनी है। ठीक है, इस वजह से 2 2 लिख रहा हूँ मैं। फिर अगेन उस सेकेंड हाईएस्ट नंबर की पोजीशन भी मुझे सेम कॉलम से मिलेगी और रिटर्न क्या होगा, सेल्स पर्सन का नाम। तो अब आप देखें आपके पास यहाँ पर जावेद आ चुका है। ठीक है, एंड दैट वॉज वेरी इजी टू डू विद द हेल्प ऑफ एक्स लुकअप। ठीक है सर, मेरी रिक्वेस्ट तमाम पार्टिसिपेंट से ये होगी जो रिकॉर्डिंग देखेंगे और जो लाइव सेशन में ना, आप एक्सेल के ऊपर अपनी एनालिटिकल अप्रोच को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फॉर्मूलाज ज़्यादा से ज़्यादा सीखे हैं। ठीक है, देखिए इस वक्त जो एक्सेल के अंदर है ना 530+ फंक्शंस मौजूद हैं, तो आपको सारे नहीं सीखने हैं, आपको उसमें से 80 to 90 फंक्शंस आने चाहिए। अगर 80 to 90 फंक्शंस की नॉलेज नहीं है ना तो इसका मतलब फिर आपके दिमाग में भी सिनेरियो सॉल्व करते वक्त ना लिमिटेड फंक्शंस आएंगे। जैसे अभी काफी लोग इफ बोल रहे हैं क्योंकि आपने शायद इफ को बहुत ज्यादा पढ़ लिया, तो आपको हर सिचुएशन यानी डेटा एनालिटिक्स खास तौर पे अकाउंटेंट्स या फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स जो होते हैं, अब क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन काफी हद तक Excel 365 पे जा रही हैं तो हमारे पास नए 50 to 60 फंक्शंस हैं डायनामिक एरे के ऊपर, तो वो बड़ा ज़रूरी है प्रोफेशनल्स को खास तौर पे सीखना। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं डेफिनेटली वो आर्टिकलशिप करेंगे, ऑडिट फर्म में जाएंगे तो वहाँ पर उनको एक एनवायरनमेंट मिलेगा एंड दैट्स हाउ दे प्रोग्रेस थ्रू डिफरेंट क्लाइंट्स। ठीक है, जब वो देखेंगे कि कौन सा एक्सेल का वर्जन है, बट आई होप यहाँ से आपको एक एटलीस्ट इस वेबिनार से आपको एक आइडिया मिल रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि एक ही फंक्शन में यूज़ कर रहा हूँ कब से, एक्स लुकअप कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, और मेरे तमाम डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बनिस्बत जब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ तो काफ़ी लोग इधर उधर हो रहे हैं, मतलब कोई इफ कह रहा है, कोई कुछ और कह रहा है, आई मीन दैट इज़ नॉट, इसका मतलब प्रोग्रेस नहीं है। सो फॉर दैट मैंने एक तरीका आपको बताया हुआ है, लेट मी रिपीट दैट कि आपको फिर अपने ऊपर थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। अगर आप 3,500 रुपये की इन्वेस्टमेंट अपने आप पे कर सकते हैं तो इस लिंक पे जाएं, इस कोर्स को परचेज करें, 26 आवर्स का ये कोर्स है, लाइफ टाइम एक्सेस है इसका, सबसे बेस्ट पार्ट ये है। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कम्प्लीशन से और
15 से ज़्यादा मॉड्यूल्स हैं जिसमें सारी चीज़ें डिटेल में सिखाई हुई हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द इफेक्टिव कोर्स जो आपके लिए हो सकता है, दैट विल गिव यू लेवरेज। नेक्स्ट 9 आवर्स के अंदर आप अगर इसको परचेज करते हैं थ्रू योर डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड, इट विल सेव योर 80% ऑफ द प्राइस ऑफ दिस कोर्स। आई मीन दैट्स द मेजर डिस्काउंट, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको चैट विंडो में दे देता हूँ, सो इफ एनी वन ऑफ यू वॉन्ट टू रेफर, यू कैन रेफर इट। ऑलराइट, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस, ठीक है। फिर हम इसके बाद नेक्स्ट शीट पे जाएंगे, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। नंबर 6 क्या है सर? व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो रैंक फॉर ऑफ पर्सन हु सोल्ड सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। सो लेट मी हाईलाइट दैट, व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो रैंक ऑफ अ पर्सन हु सोल्ड सेकंड हाईएस्ट, ठीक है। सो 42 मुझे निकालना है, मैं इसको पहले हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। 42 आंसर मुझे निकालना है, तो हाउ टू एक्सट्रैक्ट दिस, ठीक है। चलो तो बात करते हैं, इक्वल्स टू एक्स लुकअप। अच्छा जी, तो सेकेंड हाईएस्ट, व्हाट इज द प्रॉफिट रेशियो? तो अगेन सेकेंड हाईएस्ट की बात हो रही है, लार्ज फंक्शन अप्लाई करेंगे, ठीक है। इट विल बी अप्लाइड ऑन नेट सेल्स कॉलम कॉमा 2, अगेन सिमिलर कॉलम, फाइंडिंग द पोजिशन। और रिटर्न एरे क्या होगा, आंसर कहाँ किस कॉलम से चाहिए, प्रॉफिट रेशियो, ठीक है। तो ये मेरे पास 0.42 आ गया, होम टैब में जाके परसेंट, ठीक है, इसको ठीक करेंगे भी, ये परसेंट के सिंबल में आपको नजर आ जाएगा। एंड दैट्स हाउ वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस इन सेल पर कस्टमर बिटवीन हाईएस्ट सेलिंग एंड लोवेस्ट सेलिंग पर्सन? तो हाईएस्ट सेलिंग तो मुझे पता है, लोवेस्ट सेलिंग कौन किसकी है, सबसे लोवेस्ट सेलिंग सर? सबसे लोवेस्ट सेलिंग जो है वो ये रही, 512। हाईलाइट कर दो, ठीक है। ये हाईएस्ट हो गई, ये लोवेस्ट हो, ठीक है। इन 21 माइनस 19 करता हूँ, दैट इज 52। तो बेसिकली मुझे 150 कप, ठीक है। एक्स लुकअप, विल गो विथ द मैक्स, ठीक है। मैक्सिमम किसका, नेट सेल्स का, ठीक है। कॉमा अगेन सेम कॉलम, रिटर्न क्या करेगा, सेल पर कस्टमर, सेल पर कस्टमर, ठीक है। उसने 171 रिटर्न किया। अब मुझे 171 में से 19 लेस करवाना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल अगेन अप्लाई सिमिलर लॉजिक बट विद अ माइनस साइन, और इस मरतबा मैक्स की जगह आ जाएगा मिन, ठीक है। एंड दैट्स हाउ आई गॉट 152, ठीक है सर। सो ये हो गया आपका सॉल्व सिनेरियो। तो ये हमने एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया सारे, इंशाल्लाह ये जो फाइल है सॉल्व फाइल मैं आप अपलोड कर दूंगा व्हाट्सएप के ग्रुप पे, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बट द पॉइंट ऑफ द वेबिनार इज, क्योंकि टू गिव यू इनसाइट्स के, देखिए डेटा एनालिसिस कैसे होती है एक्सेल के अंदर, ठीक है। एंड व्हाट इज, और आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आपको कहाँ आप लैकिंग कर रहे हैं और आपको कितना अभी लर्न करने की ज़रूरत है, कितना सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फाइल, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके। All right, so now we have one more file, ठीक है। एक होता है कि हम चार्ट्स जो हैं वो स्प्रेडशीट पे बनाते हैं, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि समटाइम्स हमारे पास जब हम डैशबोर्ड रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, स्पेशली जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था सेशन के, ठीक है, कि जब हम डैशबोर्ड रिपोर्टिंग करते हैं और उसमें हम एक प्रेजेंटेबल रिपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाते हैं, तो चार्ट्स जो है ना काफ़ी हद तक
हमारी स्प्रेडशीट पे एरिया कवर कर लेता है, जिसकी वजह से मजीद ऑब्जेक्ट्स ऑन अ वन पेज नहीं आते। तो अगर हमें कोई ऐसा फीचर मिल जाए जिसमें हम क्या कर सकें सर, कि हम उस चार्ट को विद इन अ सेल ला सकें, ठीक है, तो उस हवाले से हमारे पास फीचर मौजूद है स्पार्क लाइंस, ठीक है। और हमारे पास बाय डिफॉल्ट तीन तरह की स्पार्क लाइंस होती हैं। हाउ टू क्रिएट और उनका इम्पैक्ट क्या है, मैं यहाँ पर अभी डिस्कस कर लेता हूँ। सो वी हैव अ प्रोडक्ट्स एंड मंथ वाइज हमारे पास कुछ बैलेंसेज हैं, स्पार्क लाइंस हैं। सबसे पहले वी विल सेलेक्ट द एरिया वेयर वी वॉन्ट टू ड्रॉ द स्पार्क लाइंस, ठीक है। देन आई विल गो टू इंसर्ट, और यहाँ पर देखिए स्पार्क लाइंस में हमारे पास तीन टाइप्स मौजूद हैं, लाइन, कॉलम, विन एंड लॉस, ठीक है। नाउ इट डिपेंड्स अप टू योर प्रेफरेंस कि आप क्या बनाना चाहते हैं यहाँ पे। आई विल सेलेक्ट द लाइन, सो इट विल ओपन अप अ विंडो वेर आई नीड टू डिफाइन द डेटा रेंज। वो कह रहा है कि डेटा कहाँ है, तो वी विल सेलेक्ट द नंबर्स रेंज, ठीक है, एंड लेट्स क्लिक ओके। ऑल राइट, दिस इज द डेटा रेंज और स्पार्क लाइन्स रेंज ये रही, ठीक है, ओके करते हैं। तो मेरे पास देखिए लाइन विद इन अ सेल बनी हुई आ गई है। सो द एडवांटेज इज कि मैं जितनी भी इसकी कॉलम की विथ या हाइट को कम ज़्यादा करूँगा, सो इट विल ऑटोमेटिकली एडजस्ट इनसाइड द सेल। प्लस बाय क्रिएटिंग द स्पार्क लाइन्स व्हाट वी कैन डू इज फर्दर वी कैन हाईलाइट द हाई पॉइंट, लो पॉइंट, वी कैन चेंज द हाई पॉइंट कलर एज वेल, लो पॉइंट कलर एज वेल। लेटर ऑन अगर हमें ये समझ में आते कि नो वी शुड नॉट गो विद द लाइन स्पार्क लाइन, वी नीड टू चेंज इनटू कॉलम, सो यू कैन चेंज इनटू कॉलम एज वेल, ठीक है। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्पार्क लाइंस, जो कस हाइट और विथ के साथ एडजस्टेबल है और वो ज़्यादा स्पेस कंज्यूम नहीं करता एज कम्पेयर टू नॉर्मल चार्ट्स। अनदर थिंग अबाउट द डेटा एनालिसिस जो काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं व्हेन इट कम्स टू द विजुअलाइजेशन, लेट सपोज यू हैव अ डेटा मंथ रेवेन्यू एंड काउंट, ठीक है। और इस पे अगर मैं आपसे एक सवाल करूं कि इस डेटा के ऊपर मुझे कौन सा चार्ट क्रिएट करना चाहिए, लाइन चार्ट क्रिएट करना चाहिए, कॉलम चार्ट चाहिए मुझे, पाई चार्ट होना चाहिए, आपको क्या लगता है? आप अपना फीडबैक दें चैट विंडो में, विच इज़ द बेस्ट सूटेबल चार्ट फॉर दिस काइंड ऑफ अ डेटा सेट, क्या लगता है? अच्छा, एक रिस्पांस हमारे पास चैट विंडो में है, पाई चार्ट, ठीक है, बाकी लोग क्या कहते हैं? कॉलम चार्ट, ठीक है। तो हमारे दिमाग में जैसे समीर ने कहा कॉलम चार्ट, ठीक है ना, जुल सैफ उसे हसन ने कहा पाए चार्ट, ठीक है ना, तो हमारे दिमाग में क्या ये सवाल नहीं आना चाहिए कि डेटा कितने तरीके के होते हैं और हर तरीके के ऊपर कोई क्या स्टैंडर्ड रूल हो सकता है कि मुझे ये पता चले कि कौन सा चार्ट क्रिएट करना चाहिए? तो इसका जवाब है बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है। आप लोग जो फाइनेंस और अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, वो अकाउंटिंग एंट्री को कैसे पास करते हैं? आप इंटरनेशनल लॉज फॉलो करते हैं ना, जैसे IFRS फॉलो करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी मर्जी का कोई भी GL कोड उठा के डेबिट क्रेडिट कर दो, वो तो फिर एरर और फ्रॉड में आ जाएगा। तो इसी तरह से आप अपनी मर्जी से कोई भी डेटा सेलेक्ट करके अपनी मर्जी का कोई चार्ट नहीं बना सकते, यानी सर मुझे जो पसंद है मैं वही बनाऊंगा, नहीं ऐसा नहीं होता। इसके स्टैंडर्ड रूल्स होता है, ठीक है। तो डिफरेंट डेटा को रीड करने की एबिलिटी होनी चाहिए, प्लस ये पता होना चाहिए कि कौन से डेटा की टाइप के ऊपर कौन सा चार्ट बनता है। तो सबसे पहली टेक्निक तो बड़ी आसान है, कौन सी टेक्निक है ये मैं आपको बता देता हूँ सर। जब आप अपना माउस कर्सर होवर करते हो ना किसी चार्ट आइकन पे, तो एक छोटा सा मैसेज बॉक्स पॉपअप हो जाता है, वहीं लिखा हुआ है। जैसे लेट सपोज मैं लाइन चार्ट पे अपना कर्सर होवर कर रहा हूँ ना,
तो वहां पर लिखा हुआ आ रहा है कि यूज दिस चार्ट टाइप टू शो ट्रेंड्स ओवर टाइम, ईयर्स, मंथ्स एंड डेज. जब मैं अपना कर्सर किसी और चार्ट पे रखूंगा तो वहां लिखा हुआ खुद आ रहा है. एक तो ये तरीका है. दूसरा ये कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने इसके इंटरनेशनली रूल्स सेट किए हैं. ठीक है, मैं आपको एक लिंक भी दिखा देता हूँ जस्ट टू गिव यू अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर कि ये कैसे काम करता है. जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं वो लिंक आपके लिए ओपन करता हूँ. ठीक है. एंड इफ यू आर वर्किंग इन एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन लाइक वाइज पावर बी आई, टैबल्यू, क्लिक, एक्सेल और एनी गूगल स्प्रेडशीट, अगर आप विजुअलाइजेशन के हवाले से काम करते हैं दैट विल बी इफेक्टिव फॉर यू. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी फाइंड दैट लिंक फॉर यू. हाउ टू चूज राइट चार्ट. ऑलराइट, सो बताइएगा मेरा आप वेब ब्राउजर आपको नजर आ रहा होगा. ठीक है, तो दिस इज अ डॉक्यूमेंट जहाँ पर ये एक डिटेल्ड आर्टिकल है जहाँ पर बताया है कि आप अक्सर कौन कौन सी मिस्टेक करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के हवाले से, और कौन से इन अप्रोप्रिएट चार्ट्स को सेलेक्ट करते हैं, और कौन सा अप्रोप्रिएट चार्ट हो सकता है. ठीक है, तो ये एक लिंक मैं आपके साथ चैट विंडो में शेयर कर देता हूँ, दैट विल गिव यू एन आइडिया कि इसको कैसे यूज करना है. ठीक है, एंड यू कैन यूज इन एक्सेल और पावर बी आई एनी वे यू वॉन्ट टू. ठीक है, एक और आर्टिकल है, चूज द राइट चार्ट. लेट मी शो टू यू. इसका लिंक मैंने चैट विंडो में दे दिया. ठीक है, सो फॉर दोज ऑफ यू यू कैन नोट नोट देम. आप इस फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं. ठीक है, सो यू कैन डाउनलोड दिस एज वेल. ऑल राइट, सो यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर हम टाइम पीरियड के साथ क्या करते हैं, लाइन चार्ट इस्तेमाल करते हैं. बट यहाँ पर एक मिस्टेक मुझे बतानी थी, वो मिस्टेक क्या है अब ज़रा नोट कीजिएगा. ठीक है, लेट मी गो टू इंसर्ट, लेट मी सेलेक्ट द 2D कॉलम चार्ट. ठीक है, अब कॉलम चार्ट सेलेक्ट करने से हुआ क्या, ठीक है, कि रेवेन्यू की जो वॉल्यूम है ना वो कंपेयर टू जो काउंट है वो बहुत, उसका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. तो यहाँ पर एक्सेल गलत नहीं है, एक्सेल अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर यूज़र गलत है. कैसे, क्योंकि एक्सेल तो जो नंबर है उसको बिल्कुल सही तरह से एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे दिखा रहा है, बट क्योंकि हम कंपेयर सही से रीड आउट नहीं कर पा रहे काउंट का, क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनकी वैल्यूज ही छोटी हैं रेवेन्यू के नंबर के सामने. तो समटाइम्स हमें क्या करना पड़ता है, हमें दो एक्सेस फिर क्रिएट करनी पड़ती है, डुअल एक्सेस. ठीक है, और एक होती है हमारे पास प्राइमरी एक्सेस. ठीक है, दूसरी हमारे पास हो जाएगी सेकेंडरी एक्सेस. ठीक है, सो व्हाट आई विल डू, मैं इस चार्ट पे क्लिक करूँगा, मैं फॉर्मेट पे जाता हूँ, और इसको करेक्ट करने के लिए मैं काउंट सेलेक्ट करता हूँ जिससे मेरे सारे काउंट के जो वॉल्यूम्स है वो सेलेक्ट होते हैं. राइट क्लिक, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, और यहाँ पर मैं सेकेंडरी एक्सेस पे चेक लगाऊंगा और उसको मैं कन्वर्ट कर दूंगा एज अ लाइन चार्ट. नाउ दिस इज मोर अप्रोप्रिएट वे टू रीड हाउ मच रेवेन्यू ईच मंथ हैज बीन मेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ काउंट ऑफ कॉल्स. ठीक है, इससे पहले जो हम देख रहे थे उसमें बहुत कंफ्यूजन रहा था क्योंकि हमें काउंट नज़र ही नहीं आ रहा था. तो हमने क्या किया, सेकेंडरी एक्सेस बनाया और सेकेंडरी एक्सेस पे एज अ लाइन उसको सेलेक्ट करवाया ताकि हमें ये पता चल सके हर महीने कितने काउंट के ऊपर कितना रेवेन्यू हमने
जनरेट किया है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द मिस्टेक पीपल डू इन एनालिटिक्स, स्पेशली इन द विजुअलाइजेशन, ठीक है, ये ठीक करनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं एक और इशू की तरफ। लेट्स से ये मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, डिफरेंट टीम्स लिखी हुई है, डिफरेंट नेम्स और उनके पॉइंट्स टेबल है। लेट सपोज मैं एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करता हूँ, ठीक है। सो लेट्स से इफ आई क्रिएट अ 2D बार चार्ट, तो बार चार्ट में मिस्टेक होती है हमेशा बाय डिफॉल्ट, ये हम याद रखिएगा। क्या मिस्टेक होती है कि जिस फ्लो से आपका डेटा टॉप टू बॉटम होता है ना, उस फ्लो से आपका वाई एक्सेस नहीं होता। अगर आप देखो तो डेटा आपका है इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। बार चार्ट में हमेशा आपका जो वाई एक्सेस है ना, वो रिवर्स होता है, तो उसको ठीक करना होता है। अब ये कैसे ठीक होगा? सर राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट एक्सेस पे जाएंगे, ठीक है, फिर यहाँ पर कैटेगरीज इन रिवर्स ऑर्डर लिखा हुआ है, इस पर चेक लगा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मेरा फ्लो, डेटा का फ्लो और वाई एक्सेस का फ्लो बिल्कुल सही हो जाएगा। बट इसके साथ साथ मेरे जो एक्स एक्सेस है वो टॉप पे नज़र आ रही है, जो मुझे नहीं करना, तो मैंने सिंपल एट मैक्सिमम कैटेगरी पे क्लिक किया, अगेन ये यहाँ बॉटम पे आ जाएगी, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट इशू। द नेक्स्ट इशू इज कि मुझे जो टॉप 3 टीम्स है उसको अलग से हाईलाइट करना है, उसको अलग से कलर से हाईलाइट करना है। सो व्हाट आई विल डू, अब मैन्युअली स्टूडेंट क्या करेगा, सर जो टॉप 3 है ना, लेट्स से मैं डेटा लेबल्स इसमें ऐड करता हूँ, जो टॉप 3 है ना उसका मैन्युअली कलर चेंज करेगा, यहाँ से होम टैब में जाकर उसको एक मैनुअल कलर असाइन करेगा। तो अगर लेटर ऑन यहाँ पर कोई चेंजेस आ गई तो यहाँ पर फिर मुझे मैनुअल काम करना पड़ेगा। आई मीन दैट इज नॉट अ स्मार्ट अप्रोच टू डू। सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू ऐड वन हेल्पर कॉलम विच विल डिफाइन टॉप 3, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इफ दिस नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू लार्ज, अगर ये टॉप 3 में फॉल करता है, ठीक है, तो फिर यही नंबर दे, अदरवाइज एरर जनरेट कर दे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू फेचिंग टॉप 3 नंबर्स इन अ सेपरेट कॉलम्स, और अगर कोई नंबर टॉप 3 नहीं है तो उसकी जगह एरर जनरेट हो रहा है। एंड व्हाई आई एम जनरेटिंग एन एरर, बिकॉज एरर विल नॉट बी शोन ऑन द चार्ट्स एंड दैट विल वर्क एज एन इनविजिबल। सो नाउ व्हाट आई कैन डू, आई कैन सेलेक्ट दीज 3 कॉलम्स, आई विल गो टू इंसर्ट, ठीक है, फिर मैं 2D बार चार्ट पे जाऊंगा, और अब मैं ये जो 3 ऑरेंज बार्स हैं उन पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट डेटा सीरीज में 100% इसको ओवरलैप कर दूंगा, ठीक है। इससे होगा क्या, राइट क्लिक फॉर्मेट डेटा सीरीज, ठीक है जी, 100% ओवरलैप हो गया, ये सही है। नाउ व्हाट हैपेंस अगर मैं लेट्स सपोज पाकिस्तान का यहाँ पर नंबर चेंज करके 450 कर देता हूँ, तो अब आप देखेंगे डायनामिक हो गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको 600 कर देता हूँ तो ये चेंज हो रहा है, सही है। सो समटाइम्स व्हाट वी डू, जब हमें डैशबोर्ड रिपोर्टिंग थोड़ी सी डायनामिक बनाती तो हम इस तरह से एनालिटिकल वाइज थोड़ी से फॉर्मूलाज अप्लाई करते हैं। अगर हमारी अप्रोच और अंडरस्टैंडिंग प्राइमरी फंडामेंटल फॉर्मूलाज पे अच्छी होगी तो हम इस तरह की डायनामिक चीज़ें आसानी से क्रिएट कर सकेंगे, ठीक है। ओके, अब मैं देख लेता हूँ, अगर आपके कोई सवालात हैं तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी गो थ्रू चैट विंडो, आई होप आप लोगों को चैट विंडो नज़र आ रही होगी यहाँ पर भी, ठीक है। एक सवाल था मलिक मोहम्मद उमर का, ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ और फिर हम देखते हैं उन्होंने क्या पूछा और मैं इसको एड्रेस करता हूँ, ठीक है जी। तो इनका ये एक सवाल था, क्वेश्चन बाय मलिक, ठीक है, वैसे ये रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा तो वो देख सकते हैं लेटर ऑन। तो सवाल के, इफ नेट सेल्स इज 1000 देन डिडक्ट 2% कमीशन, इफ मोर देन 1000 देन डिडक्ट 5% कमीशन, हाउ कैन रिजॉल्व दिस बाय यूजिंग फॉर्मूलाज, काइंडली एड्रेस दिस। तो आपने सर जी अपने सवाल में ये ना जवाब भी दे दिया, ठीक है, बहुत ही आसान है। लेट सपोज 1000 यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर 1500 लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 500 लिख देते हैं, ठीक है, ये मेरे पास कुछ नंबर्स हैं,
और आपने सवाल के अंदर जवाब पता है कैसे दिया? आपने लिखा इफ नेट सेल्स 1,000 देन डिडक्ट 2% कमीशन, मतलब ये कि आप डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हो. सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज यू, आपने खुद बोला कि मुझे एक डिसीजन मेकिंग करनी है. अगर ऐसा हो तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो सोल्यूशन होगा, ठीक है, वो कौन सा किस पे लगेगा? इफ पे लगेगा कि अगर 1,000 है, ठीक है, अगर ये 1,000 है इक्वल्स टू 1,000, देन इसका 2% डिडक्ट कर ले, ठीक है. अदरवाइज जब ये 1,000 के इक्वल होगा तो 2%, अदरवाइज वाइस वर्सा इसका 5%. अगर मैं क्राइटेरियाज बढ़ाते जाऊंगा तो नेस्टेड इफ यहाँ पर लगता जाएगा, ठीक है. तो ये आपकी क्यूरी सॉल्व हो गई. तो आपने सवाल भी पूछा और मेरे ख्याल से जवाब भी दे दिया, ठीक हो गया. हाँ, अगर आप क्राइटेरियाज में मजीद यहाँ पर 5 या 6 क्राइटेरियाज ऐड कर देंगे बेस्ड ऑन द कमीशन एंड द नेट सेल्स, और थोड़ा सा अगर और कॉम्प्लेक्स करें तो कोई बिटवीन की रेंज भी अगर आप बना दें, सो दैट इज ऑल्सो ईजी. देन इट विल गो विथ नेस्टेड इफ, ठीक है, और एंड या फिर और के कॉम्बिनेशन के साथ फिर वो सोल्यूशन बनेगा, ठीक है जी. दैट वॉज द क्वेश्चन आस्क इन द चैट. ऑलराइट, लेट मी सी इफ एनीथिंग इज रिमेनिंग, ठीक है जी. देन यू कैन कस्टमाइज एज वेल, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल. मैंने आंसर दे दिया कि नेस्टेड इफ यू कैन डू. ठीक है, नेस्टेड इफ होगा, मल्टीपल इफ्स लग जाएंगे उसमें, और कुछ भी नहीं है. ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाई भी कर देता हूँ ताकि आपको ये भी हो जाएगा. 1,000 से कम के ऊपर अगर डिडक्शन नहीं है तो कोई मसला नहीं है. ठीक है जी, ये इस तरह से कस्टमाइज हो जाएगा. डन. और कुछ, और कोई सवाल है किसी के जहन में तो पूछ लें प्लीज, देन वी कैन कंक्लूड द सेशन. तो एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ प्लीज, इफ इफ यू हैव एनी क्यूरीज क्वेश्चंस इन योर माइंड डू लेट मी नो. ठीक है, आई कैन वेट फॉर 1 or 2 minutes मोर. ओके, सो आई गेस देर इज़ नो क्वेश्चन बिकॉज पार्टिसिपेंट ने कुछ लिखा तो नहीं है. सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टूडे. आई होप द लार्जर ऑडियंस वुड बी वॉचिंग द रिकॉर्डिंग. सो थैंक यू सो मच. द रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ऑन माई यूट्यूब चैनल रहीम जुल्फिकार अली. ओके, ऑलराइट, थैंक यू.